हेलो गाइस, गुड इवनिंग। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अगर कंफर्म कीजिए, लाउड एंड क्लियर है। और अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो सभी का धन्यवाद जो यहाँ पर ज्वाइन किए हैं। ओके, थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू मनोरंजा कंफर्मेशन के लिए। ओके, चलिए हम स्लोली स्लोली स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। कहाँ कहाँ से जुड़े हैं आप, जरा अगर लोकेशन भी बताएं। गाजीपुर, असम। मैसूरी, गाजीपुर, गुड गुड गाइस, नवी मुंबई। ओके, क्या आप मुझे देख भी पा रहे हैं अभी? छत्तीसगढ़, नागपुर, वाराणसी। ओके, थैंक यू एवरीवन जी ने अभी जवाब दिया रिप्लाई करने के लिए। ओके, थैंक यू। चलिए हम आज स्लोली स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चौथा वेबिनार है, वेबिनार 4 इस महीने का। हम अभी तक 3 वेबिनार कर चुके हैं। पहला था ट्रेंड ट्रेडिंग के ऊपर, दूसरा काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग के ऊपर। हमने जो कैंडल स्टिक के ऊपर बात की थी, दोनों वेबिनार अभी यूट्यूब पर आ चुके हैं, वहां पर देख सकते हैं अगर आपने मिस कर दिए हैं तो। और तीसरा वेबिनार जो लास्ट में किया था हमने, अपना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के ऊपर, वो इस संडे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। और ये हमारा चौथा वेबिनार है इस महीने का, हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर। तो ये 4 वेबिनार की सीरीज थी। फिर अगले महीने इसी तरीके से जो भी अपडेट होंगे आपको आते रहेंगे। हर महीने आप यहाँ पर वेबिनार करेंगे और उसका शेड्यूल आपके पास आता रहेगा। अब यहाँ पर मैं टिकमिल के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि ये स्पॉन्सर किया है टिकमिल ने। और अगर आप यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा कि क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट मिलते हैं। इनका स्प्रेड भी काफी टाइट रहता है और काफी प्रोडक्ट्स इन्होंने न्यू ऐड किए हैं, क्रिप्टो वगैरह, CFD और स्टॉक वगैरह, काफी नई चीजें लेते आ रहे हैं। और इंडिया में डिपॉजिट और विड्रॉल भी इन्होंने स्मूथ किया हुआ है। अगर आपका अकाउंट पहले से है तो अच्छा है, अगर नहीं, अगर आप अकाउंट मेरी मेंबरशिप में खोलना चाहते हैं तो लिंक जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से अकाउंट खोल सकते हैं। आपको कोई भी इशू आता है, बाद में कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहां पर हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं जो इस वेबिनार के बारे में, कि ये जो वेबिनार की सीरीज है केवल इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। जस्ट आप इससे एजुकेशन ले सकते हैं, पर इसके बेस पे कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लीजिए। और यहाँ पर हम टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे एंड ऑफ द सेशन, आप जो भी क्वेश्चन हो वहाँ पर पूछ सकते हैं चैट में, मैं आपके लूंगा। तो वो भी टॉपिक पर मेरे साथ बने रहिए, और जो एंड में क्वेश्चन होंगे आप मेरे साथ पूछ सकते हैं। तो जैसा आपने देखा होगा, हम 3 वेबिनार्स की सीरीज अभी तक की हुई है। हमने जो टॉपिक्स को डिवाइड किया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स और हार्मोनिक, प्राइस में क्या क्या चीजें आती हैं, ट्रेंड लाइन, चैनल रेंज, कैंडलस्टिक पर 2 वेबिनार हम कर चुके हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर 1 कर चुके हैं, इंडिकेटर पर आने वाले दिनों में कुछ वेबिनार वो करेंगे, चार्ट पैटर्न्स पर और हार्मोनिक पे। तो ये कुछ और हैं, और ये इसके अलावा भी और भी टॉपिक होंगे जो बातें हम इन्वॉल्व करेंगे, जो आपके क्वेश्चन आते रहते हैं उसके बेस पे भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज का जो मेन है चार्ट पैटर्न्स, हम हेड एंड शोल्डर के ऊपर बात करेंगे। तो हेड एंड शोल्डर क्या है, व्हाट इज हेड एंड शोल्डर पर हेड एंड शोल्डर, और इससे आप क्या समझते हैं? जस्ट आपके जनरल आइडिया में जानना चाहूंगा कि सबको क्या समझते हैं हेड एंड शोल्डर से, अगर किसी को कुछ आइडिया हो। मेरे ख्याल से सभी अवेयर होंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न से काफी फॉर्म होता है। मुझे चैट में बता सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूं अगर आप जवाब दें। हेड एंड शोल्डर के बारे में कुछ आइडिया, मैं जो भी सेशन करता हूँ इंटरैक्टिव रखता हूँ, ताकि आपसे पूछता रहूं कि बाद में कुछ जस्ट मैं ही बोल के ना चला जाऊं और आपको कुछ पता ही ना चले कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एम या डब्ल्यू पैटर्न, ओके, वन हेड टू शोल्डर, बिल्कुल ठीक है। सिंपल भाषा में कहें तो जो आपने बोला राकेश जी और अशोक जी, बिल्कुल, अगर जितना सिंपल कर सकें उतना ये है कि आप या तो एम कह सकते हैं या डब्ल्यू कह सकते हैं, वन हेड या टू शोल्डर्स के लिए। और हेड एंड शोल्डर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, बुलिश हो सकता है, बियरिश हो सकता है, ट्रेंडी बुलिश हो सकता है या ट्रेंडी बियरिश हो सकता है। हेड एंड शोल्डर से ये मत समझिए कि हेड एंड शोल्डर ये कोई जो शैम्पू है इसके बारे में बात कर रहे हैं। हेड एंड शोल्डर सिंपल एक चीज जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे काफी लोगों ने बताया, या तो अगर मैं यहाँ पर हम ड्रॉ करना चाहें, या तो ये जैसे मैं पेन ले लेता हूँ, या तो डब्ल्यू के उसमें फॉर्म हो ये कहना चाह रहे थे जो, या फिर एम के उसमें, उसमें क्या है हेड एंड शोल्डर क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्लियर नहीं है कि ये हेड एंड शोल्डर है, कि डब्ल्यू और एम से यहाँ पर जो क्लियर होगा उसमें क्या होता है, इस तरीके से मूवमेंट होती है। मैं कलर पेन का चेंज कर लेता हूं ताकि आप देख सकें।
इस तरीके से मूवमेंट होती है, जैसे कि आप अभी यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखें, ये एक शोल्डर, ये दूसरा शोल्डर और एक हेड। और हेड एंड शोल्डर इसको नाम क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये एक तरीके से लगता है जैसे ह्यूमन के जैसे हम है। ये आपका शोल्डर हो गया, ये आपका हेड हो गया, और इस तरीके से आपका यहाँ पर दूसरा शोल्डर हो जाता है, इसलिए इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। तो इसके क्या क्या टाइप होते हैं, बुलिश हो जाता है, बेयरिश हो जाता है, ट्रेंडी बुलिश और ट्रेंडी बेयरिश के नाम से आ जाते हैं। अब इनको नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, अगर आप हैंड रेज कर रहे हैं, आप बाद में पूछ सकते हैं सेशन के एंड में, जो भी क्वेश्चन होंगे मैं सभी क्वेश्चन के वहां पर आंसर दूंगा। अभी मेरे साथ यहाँ पर बने रहेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आप पूछना भी चाहते हैं एट द पॉइंट, इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो यहाँ पर अभी पूछ सकते हैं, तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी हम टाइप्स की बात कर रहे हैं कि हेड एंड शोल्डर की, हम बेसिक आपको ये इतना पता होना चाहिए कि हेड एंड शोल्डर होते क्या है। तो अगर मैं बुलिश की बात करूँ, तो बुलिश जो होगा वो इस तरीके से फॉर्म होगा, आपका एक शोल्डर फॉर्म हुआ, फिर आपका हेड हुआ, फिर दूसरा आपका शोल्डर फॉर्म हुआ, और इस तरीके से। और ये आपकी एक नेक लाइन होती है जहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं वो मैच होते हैं, इस तरीके से। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो ये बुलिश कहेंगे क्योंकि हम इसमें बाई के लिए देखेंगे, बाई के लिए भी, एंट्री के लिए भी बात करेंगे, किस तरीके से एंट्री लेनी है, क्या क्या देनी है, कौन सा हेड एंड शोल्डर बेटर रहता है, कौन सा नहीं रहता है। तो बुलिश के लिए अगर हम बात करें, तो ये इस तरीके से फॉर्म होता है जहाँ पे आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया, हेड हो गया, और ये आपका राइट शोल्डर हो गया। अब बात आती है बेरिस के लिए, बेरिस के लिए भी यही फॉर्म होगा, तो हम इस तरीके से बात करेंगे। इसको सिंपल वेव में भी कहना चाहते हैं कि वेव फॉर्मेशन होती है उस तरीके से, और आपकी जो नेक लाइन होती है वो इस तरीके से। तो ये आपका लेफ्ट शोल्डर, हेड, और ये राइट शोल्डर। इसमें ये बेरिस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम फिर इसमें सेल के लिए देखेंगे, स्टॉप लॉस ऊपर और प्रॉफिट नीचे की तरफ। तो जस्ट सिंपल भाषा में अभी बताने के लिए मैं इसलिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, हम सभी एंट्री के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, कौन सा शोल्डर, हेड एंड शोल्डर को हमें लेना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको माइंड में रखनी चाहिए जब भी आप ट्रेड करें, क्योंकि ये काफी फॉर्म होते हैं और बार बार फॉर्म होते होते रहते हैं, क्योंकि ये एलर्ट वेव्स जो है उनके ऊपर भी एक टॉपिक कवर करेंगे, उसके साथ काफी मैच होते हैं। पर सिंपल भाषा में समझना चाहें क्यों होते हैं और क्या रीजन है, वो हम आगे बाद में कवर करेंगे। दूसरा आ जाता है आपका ट्रेंडी बुलिश। ट्रेंडी बुलिश का मतलब क्या होता है, जो हमने बुलिश की बात करी थी वो सिंपल ये था, ठीक है, इस तरीके से। पर ट्रेंडी बुलिश में क्या होगा कि प्राइस इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर भी आप देखें जो ट्रेंडी है वो अप की तरफ है, मतलब एक डायगोनल है। ये भी हेड एंड शोल्डर, यहाँ पर आप राइट है, लेफ्ट हैंड शोल्डर देख सकते हैं, ये हेड है और ये राइट है, और ये ट्रेंड का है जो अप की तरफ है। यहाँ पर ये स्टेबल था, एक रेंज में था, यहाँ पर ये जो है एक डायगोनल की तरह, किसे कहें तो एक आप कहें तो एक चैनल के में भी उस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, तो इसको इसलिए कहते हैं ट्रेंडी बुलिश। तो ये होता है एक थर्ड टाइप का, इसमें आ जाता है। उसी तरीके से ट्रेंडी बेरिश के लिए भी आ जाता है। ट्रेंडी बेरिश के लिए जैसे हमने बेरिश के बारे में बात करी, ये आपका हेड एंड शोल्डर हो गया, उसी तरीके से फिर यहाँ पर अगर हम इसकी ये बात करें, इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, मतलब कि ट्रेंडी बेरिश नीचे की तरफ, जो आपकी नेक लाइन है वो इस तरीके से जा रही है, रेदर देन कि आपकी स्टेबल लाइन की तरफ हो जा रही है, इसलिए इसको ट्रेंडी बुलिश कहते हैं। तो ये चार तरीके जो है हेड एंड शोल्डर आप इस तरीके से फॉर्म होते हुए देख सकते हैं मार्केट में, और इन सभी का पैटर्न है ट्रेड करने के लिए, उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सा बेस्ट वे हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने के लिए। तो हेड एंड शोल्डर को जब भी आप ट्रेड करें, तो हमेशा आपको देखना चाहिए हेड एंड शोल्डर के जो शोल्डर्स हैं उनको कंपेयर करना है। हेड एंड शोल्डर के मतलब कि अगर मैं यहाँ पर लूँ, यहाँ से मार्केट ये प्राइस ऊपर गया और इस तरीके से है, ये आपका लेफ्ट शोल्डर है, ये आपका राइट शोल्डर। अगर ये राइट शोल्डर हेड से ऊपर चला जाता है, तो उस टाइम पर तो फॉर्मेशन आपका बिल्कुल इनवैलिड हो जाता है, तो ये कभी भी आपका इससे ऊपर जाना नहीं चाहिए हेड से। जैसे ही अगर ये इससे ऊपर चला गया, तो फिर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं रह जाता है। तो पहली चीज तो आपको यही माइंड में रखनी है कि जो राइट शोल्डर है वो हेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर हेड एंड शोल्डर की, तो कंपेयरिंग शोल्डर हमें कंपेयर करना है जो लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर, इन दोनों को कंपेरिजन करना है। और इनके कंपेरिजन करने के दो तरीके हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो भी आपको माइंड में रखने हैं ट्रेडिंग करने के लिए। पहला जो आता है सेकेंड शोल्डर की वीकनेस। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ये शोल्डर हेड एंड शोल्डर इस तरीके से बन रहा है, हमें ये देखना है जो पावर है जो लेफ्ट हैंड में किस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ गया है, और जो राइट हैंड शोल्डर में है प्राइस किस तरीके से पावर प्राइस ऊपर की तरफ गया है। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सॉलिड कैंडल्स बनी है और इस वाले में भी सॉलिड कैंडल बन रही है, तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस वैल्यू कम हो जाती है। मुझे देखना चाहिए कि यहाँ पर वीकनेस हो,
सेकंड राइट हैंड शोल्डर, उसमें वो क्वालिटी बढ़ जाती है आपके सेटअप की, चांसेस ज्यादा होंगे कि वो प्रॉफिट में ज्यादा जाएगा जब आप इसमें ट्रेड करेंगे। तो कहने का मतलब अगेन मैं दोबारा यहाँ पर बताना चाहूंगा, यहाँ से यहाँ तक प्राइस दोबारा एक बार गया, हेड एंड शोल्डर में ये हेड बना, और ये जो राइट शोल्डर है अगर यहाँ पर आपकी ये एक दो कैंडल में ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ पर ये स्ट्रगल कर रहा है, कम से कम 5-6 कैंडल इसको बनी और ये ऊपर गया, तो इसमें है कि मतलब यहाँ पर वीकनेस है। ये तो हो गई एक तरह की वीकनेस की, प्राइस स्लोली स्लोली ऊपर गया। अगर हम इसको कंपैरिजन करेंगे इन दोनों को, किस तरीके से लेफ्ट हैंड शोल्डर में ऊपर गया था और किस तरीके से राइट हैंड शोल्डर में गया था, ये एक तरीके की वीकनेस। अगर वीकनेस है सेकेंड शोल्डर में तो मतलब कि वो हमारे लिए अच्छा है, पर अगर उसमें पावर है तो फिर हमारे लिए वो इतना क्वालिटी सेटअप नहीं रहेगा। दूसरी वीकनेस कौन सी होगी? दूसरी वीकनेस ये है, यहाँ पर ये वाला है लेफ्ट हैंड शोल्डर बना, फिर ये आपका हेड बना, और ये फिर आपका राइट शोल्डर बना। अब इसमें क्या है, जो लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर ऊपर ना जाए, अगर मैं इसको कहूँ इस तरीके से, या और अच्छे तरीके से इसको डिफाइन करूँ, इस तरह से ये बना, तो यहाँ पर आप देखें लेफ्ट हैंड शोल्डर जो था वो काफी ऊपर तक गया, पर राइट हैंड शोल्डर में ज्यादा पावर नहीं, तो हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। तो मतलब अगर ये इस तरीके का सेटअप बनेगा, ये क्वालिटी वाइल होगा, इसके अगर आप इसमें अगर आप ट्रेड लेंगे तो ये इसके चांसेस सक्सेस होने के ज्यादा रहे। तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर में आप देखें काफी बनते हैं, पर सभी हेड एंड शोल्डर को हमें नहीं लेना चाहिए, क्वालिटी वाइज देखना चाहिए कौन सा आपके लिए बेटर सेटअप रहेगा कौन सा नहीं। सभी को एकदम से एंटर मत कीजिए, अगर हेड एंड शोल्डर बन रहा है आप देखिए किसमें क्वालिटी है। पहली चीज अगर वीकनेस है, वीकनेस कौन सी, पहली वीकनेस कैंडल्स में वीकनेस है तो वो मेरे लिए वैलिड सेटअप है, फिर हेड एंड शोल्डर क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसको मैं जरूर लेना चाहूंगा। दूसरा वीकनेस जो लेफ्ट हैंड शोल्डर से राइट हैंड शोल्डर ऊपर की तरफ ना गया हो, इससे ऊपर ना क्रॉस करे, तो यहाँ पर भी वीकनेस। तो ये दो क्राइटेरिया हो गए जब भी आप सेकेंड सेकेंड शोल्डर की वीकनेस को चेक करें। और फिर आगे क्या कर सकते हैं हम इसको और बेटर क्वालिटी करने के लिए, इंडिकेटर कंफर्म कर सकते हैं आरएसआई। आरएसआई से इसको कैसे कंफर्म करेंगे, दो तरीके हैं। जब भी आप यहाँ पर देखें प्राइस के लिए, यहां से प्राइस ऊपर गया इस तरीके से ऊपर गया और ये शोल्डर बना, ठीक है। अब आरएसआई में हमें देखना है दो चीजों को देखना है, अगर आपका सॉरी पहला क्राइटेरिया की वीकनेस है वो नीचे बना है, दूसरा कि कैंडल्स में भी पावर नहीं है, और दो चीजें और अगर आप देख सकते हैं, या तो आरएसआई में आपको मिले कि वो यहाँ पर ओवरबोट हो चुका है सेकेंड शोल्डर पर, तो उसका क्वालिटी सेटअप बेटर हो जाता है। अगर इस जगह पर यहाँ पर आरएसआई में आपको ओवरबॉट मिले तो फिर ये आपके चांसेस हैं कि अब यहाँ से मार्केट प्राइस नीचे जाएगी और रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। अगर ये मिडल में ही रहता है तो फिर हम उसको इग्नोर करें। दूसरा सेम अगर आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और आरएसआई में आपको डाइवर्जेंस मिलना शुरू, यहाँ से प्राइस गया, दूसरा प्राइस इतना गया और तीसरा और ज्यादा नीचे गया, मतलब कि इसको भी मैच नहीं करा, यहाँ से ये शोल्डर इससे ऊपर गया था पर प्राइस यहाँ पर इससे पास भी नहीं गया और यहाँ पर क्लियर डाइवर्जेंस। तो आरएसआई में दो चीजें को हमें ध्यान रखना है, या तो वो ओवरबॉट हो जाए राइट हैंड शोल्डर पर, या फिर वहां पर आरएसआई में आपको डाइवर्जेंस मिलना शुरू। इसको हम चार्ट में भी देखेंगे, पर यहाँ पर मैं आपको दो चीजें आपको बताना चाहूंगा इसमें। अब एंट्री के लिए हमें क्या देखना होगा, एंट्री के लिए आप जब भी देखेंगे तो दो तरह की एंट्री यहाँ पर। अब मान लीजिए मैं हेड एंड शोल्डर यहाँ पर देख रहा हूँ, ये आपका हेड एंड शोल्डर इस तरीके से बना, तो मैं एंट्री जो मेरी अगर एग्रेसिव एंट्री है तो मेरी जो नेक लाइन हो जब वो उसको ब्रेक करे मैं तभी यहाँ पर एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस मेरा राइट हैंड शोल्डर से ऊपर होगा और टारगेट प्रॉफिट 1:5 का रख सकते हैं, या जितनी हाइट ये इसकी है उतना आप रख सकते हैं, इतनी हाइट यहाँ पर आप इसको रख सकते हैं, पर मैं कहूंगा 1.5 आपको मिल जाए आप उतना उससे सेटिस्फाइड हो सकते हैं, और उतना आपका मतलब कि $100 का आप रिस्क लगा रहे हैं, 150 का आप यहाँ पर प्रॉफिट ले रहे हैं। दूसरा ये तो हुआ एग्रेसिव एंट्री, जैसे ही नेकलाइन को ब्रेक करे आप यहाँ पर एंट्री करें। दूसरी है थोड़ी पेशेंस वाली एंट्री, अगेन प्राइस यहाँ से यहाँ पर गया, नेकलाइन को ब्रेक करा, पर आप नेकलाइन ब्रेक करने पर एंट्री नहीं लेंगे, आप वेट करेंगे वो दोबारा से उस नेकलाइन को रिटेस्ट करे, फिर आप यहाँ पर एंट्री लेंगे और टारगेट प्रॉफिट अगेन से। तो यहाँ पर आप वेट करेंगे दोबारा प्राइस आपकी उस नेक लाइन को जो उसने ब्रेक किया उसको रिट्रेस करें, फिर दोबारा से फिर आप इसमें एंट्री देखें। तो ये दो तरीके हैं जब आप एंट्री के लिए देखते हैं।
तो ऑन ब्रेकआउट अग्रेसिव, थोड़ा यहाँ पर मेरा ड्राइंग से हो गया है, और दूसरा ऑन रिटेस्ट। तो अगर अभी समराइज करने के लिए मैं यहाँ पर बताऊं, तो हमने जो अभी तक बात की है हेड एंड शोल्डर के लिए, तो पहला आपको देखना है कि राइट हैंड शोल्डर की वीकनेस, वीकनेस जो राइट शोल्डर है, सब अभी तक है मेरे साथ में जो मैं अभी तक बता रहा हूँ। मैं अभी इसको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, पर अभी तक सभी को क्लियर है जो मैं बता रहा हूँ? मैं अभी दोबारा रिवाइज करता हूँ 5 मिनट, ठीक है ना? ऐसा तो नहीं है सर से ऊपर जा रहा है ना? बिल्कुल ठीक, चलिए, थैंक यू थैंक यू। चलिए थोड़ा इसको जो मेन पॉइंट है आपको याद रखने के लिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो आप यहाँ पर दोबारा हम उसको देख लेते हैं। पहले तो आपको देखना है वीकनेस, राइट हैंड शोल्डर लेफ्ट हैंड शोल्डर से वीक हो, कैंडल वाइज कैंडल स्लोली स्लोली गई हो कंपेयर टू पहले बार। दूसरी वीकनेस, वो उससे ऊपर ना गया हो, लेफ्ट हैंड शोल्डर आपका ऊपर हो, राइट हैंड शोल्डर वहां तक ना गया हो, तो मतलब कि क्वालिटी सेटअप है, इसमें हम एंट्री ले सकते हैं। दूसरा, उसके बाद हम RSI से जो कंफर्म करेंगे कि आपका जो RSI में हो वहां पर ओवरबोर्ड पे आ जाए, राइट राइट हैंड शोल्डर के आसपास, तो फिर हमारे लिए एंट्री बेटर हो जाती है, और फिर RSI में आपका डाइवर्जेंस दिखना शुरू हो जाए। थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ नीचे की तरफ। RSI में आपको, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, RSI में आपको यहाँ तक प्राइस ऊपर गया, और उसके बाद वो नीचे, मतलब कि यहाँ जो लेफ्ट हैंड शोल्डर है राइट, उसमें डाइवर्जेंस पूरी दिख रही है, यहाँ पर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, पर RSI में उसको डाइवर्जेंस, तो मतलब कि वीकनेस आनी शुरू हो गई है। अब उसका क्वालिटी सेटअप है। एंट्री के लिए दो चीजें बताई है, एग्रेसिव में जैसे ही वो नेक लाइन को ब्रेक करेगा आप वहां पर एंट्री लेंगे, अगर पेशेंस वाले हैं आप वेट करेंगे, दोबारा से रिटेस्ट करें फिर एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस राइट हैंड शोल्डर से ऊपर, और टारगेट प्रॉफिट आपका 1.5, या जितना आपके हेल्डर शोल्डर की हेड की हाइट थी उतना ही आप यहाँ पर। सेम ही ये आपका बुलिस जो होगा हेड एंड शोल्डर उसके लिए अप्लाई होगा। अभी हम यहाँ पर बियरिस की बात कर रहे हैं, या बाकी आपका टेंडी बुलिस या टेंडी बियरिस की बात करें। तो चार्ट में देखते हैं कैसे ये फॉर्म होते हैं और कैसे इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मुझे बताइएगा जब आप मेरी स्क्रीन देख पाए। क्या मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी चार्ट वाली? ओके थैंक यू। चलिए पहले तो यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं तो यहाँ पर ये आप देखिए, इस एरिया में जाएं, यहाँ पर ये जो सभी पैटर्न्स दिख रहे हैं, XABD साइफर ABCD ट्राइंगल, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर ऑलरेडी मेंशन किया है। अगर आपको पता नहीं है कैसे ड्रॉ करना है, आप सीधा यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं कि आपका प्राइस ऊपर गया, आप उसी के हिसाब से यहाँ पर ड्रॉ करें कि ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, नहीं तो आप सीधा यहां से लेंगे और जो भी आपके प्राइस हैं आप उन्हें मैच करेंगे, ये आपको बता देगा कि आपका हेड एंड शोल्डर इस तरीके से बन जाएगा। हम देखते हैं सभी को, तो ये टूल्स है जो आप यूज कर सकते हैं हेड एंड शोल्डर के लिए। तो यहाँ पर ये प्राइस है, हम इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ पर आपके हेड एंड शोल्डर बन रहे हैं, और जो हमने अभी तक बात की है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको कुछ ट्रेड मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। और हाँ ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये एक हमारा बुलिश सा बन रहा है, हम इसको देखते हैं। अगर यहाँ पर मैं देखूं, यहाँ से ये प्राइस है, मैं इसको वीक को छोड़ देता हूँ, यहाँ से प्राइस गया, ये आपका लेफ्ट शोल्डर, प्राइस नीचे तक गया, ये आपका राइट शोल्डर, ये आपकी पूरी नेक लाइन, और ये आपका राइट शोल्डर। तो जैसे ही देखिए कंप्लीट होता है तो आपका ये जो बार है ये फिल हो जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ तो ये फिल नहीं हुआ, इसका मतलब हेड एंड शोल्डर आपका कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब कि नेक लाइन अभी आपकी ब्रेक नहीं हुई। तो ये आपका, जैसे आप देखें, लेफ्ट शोल्डर, ये आपका हेड, और ये आपका राइट शोल्डर, और तीनों बार फिल हो चुके हैं, मतलब कि मेरा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप इसको भी टोल को यूज करेंगे तो इससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि क्या मेरा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब अगर यहाँ पर मैं क्लियरली आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इस नेक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, तो मैंने एक रेड लाइन यहाँ पर ले लिया, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, ब्लू लाइन। चलिए अब हमने बात करी, हमने RSI की भी बात करी, हम यहाँ पर RSI को लगा लेते हैं ताकि उससे भी हमें कुछ यहाँ पर दिख सके, तो क्या हमारे लिए पैटर्न वैलिड है या नहीं, ठीक है ना? इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे देखिए दो चीजें हम देखना चाहेंगे। पहला,
ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। जो राइट शोल्डर है क्या वो लेफ्ट से नीचे गया है? नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड शोल्डर है, अगर मैं इसको मार्क करना चाहूं, और राइट शोल्डर जस्ट उसके पास ही गया है, तो जस्ट सिमिलर वे में मैं करना चाहूँ, तो सेटअप की क्वालिटी है इसमें, ऐसा कुछ नहीं कि इससे नीचे गया और वो उस तरीके से नहीं गया। और दूसरा, अगर मैं पावर की बात करूं, जो हमारी कैंडल्स आई हैं वो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, हम जस्ट क्वालिटी को देख रहे हैं, क्या हमें इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर यहाँ पर देखिए, यस, इसको मैं हटाता हूँ, सॉरी, यहाँ पर देखिए, रेड कैंडल, रेड कैंडल, एकदम से पूरी रेड कैंडल यहाँ पर आप देख रहे हैं, पूरी सॉलिड सभी रेड कैंडल, और नीचे तक प्राइस को लेके गई है, कोई बीच में ग्रीन कैंडल आपको नहीं। यहाँ पर देखिए, दो ग्रीन कैंडल, आई होप सभी को दिख रही हूँ, एक ग्रीन कैंडल, फिर रेड, रेड, फिर हॉट, फिर रेड, मतलब की वीकनेस है। सभी एग्री करते हैं कि इसमें वीकनेस है राइट शोल्डर में कंपेयर टू लेफ्ट शोल्डर से, जो हमने अभी तक थियोरेटिकली समझा था उसकी तरीके उस हिसाब से क्लियर है सभी को कि यहाँ पर वीकनेस है। ओके, दूसरी चीज मैंने आपको आरएसआई में बोला था, अगर वो ओवरबोट या ओवरसोल्ड हो जाए, तो यहाँ पर हमें देखना है क्या डाइवर्जेंस मिले या ओवरबोट या ओवरसोल्ड हो जाए। तो डाइवर्जेंस हमें यहाँ पर नहीं दिख रही है, पर इसी जगह पर आप देखें, यहाँ पर ये ओवरसोल्ड हो चुका है, आउट है जो आरएसआई की सेटिंग है, तो आपके लिए बेटर है, आप यहाँ पर फिर इसमें एंट्री कर सकते हैं। एंट्री कहाँ पर करेंगे? जब नेक लाइन ब्रेक हो, तो एंट्री होगी आपकी यहाँ पर, ये होगी आपकी एग्रेसिव एंट्री, तो यहाँ पर आप इसमें एंट्री लेंगे। अगर मैं यहाँ पर इसमें एंट्री लेता हूँ और स्टॉप लॉस अपना लगाता हूँ, ये मेरी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस मेरा जो यहाँ पर है इससे थोड़ा नीचे, और मैं कहता हूँ मुझे 1.5 का टारगेट यहाँ पर इसके आसपास यहाँ पर मिल जाए, तो इतना है ना, क्योंकि नहीं तो फिर आप इतनी जितनी इसकी हाइट है उतना देख सके, पर 1.5 इतना आप इसमें देख सकते हैं। ये तो हुआ एग्रेसिव एंट्री के केस में। दूसरा, आप कहें मैं यहाँ पर इमीडिएटली एंट्री नहीं लूंगा, तो फिर आप वेट करेंगे, यहाँ पर इसने ब्रेक किया, या तो आप यहाँ पर एंट्री ले, दोबारा रिटेस्ट कर रहा है, या फिर आपको एक और एंट्री यहाँ पर दे रहा है, और अगर यहाँ पर भी आप मिस कर गए हैं तो देखिए दोबारा से फिर वो रिटेस्ट करने आया, या फिर वो स्टॉप लॉस हिट हो, बात की बात है, हम देखते हैं क्या होता है। बात यहाँ पर प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, स्टॉप लॉस हिट हो, प्रॉफिट हिट हो, वो बात की बात है, आपने अपने प्रोसेस को फॉलो किया, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको 60-70% क्वालिटी वाइज अच्छे सेटअप लेंगे। आप हर एक हेड एंड शोल्डर को नहीं लेंगे, आप पहले तो जो वीक, जो बेकार है, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उनको हटा रहे हैं। अगर वो क्वालिटी वाइज आपका नहीं बनता है, अगर यहाँ पर वीकनेस नहीं होती या आरएसएम नहीं, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर मैंने एंट्री ली, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये एक एंट्री यहाँ पर दे रहा है, दूसरा, तीसरा यहाँ पर, और चौथी, चार बार यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है कि आप इसमें एंट्री कर सकते थे। 1.5 का टारगेट हमने इसमें यहाँ पर लगाया था, तो आपका प्रॉफिट जो हिट हो जाएगा वो यहाँ पर हिट हो जाएगा, इस तरीके से आपका ये पूरा ट्रेड कंप्लीट होगा। क्लियर है सभी को जो मैं बताना चाह रहा हूँ? जो हमने थ्योरेटिकली अभी अपने टेक में देखा था वही यहाँ पर चार्ट में दिख रहा है। हम एग्जाम्पल और कवर करेंगे, अभी एक नहीं, हम काफी एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। ओके हरजीत, कलजिंदर जी, थैंक यू। चलिए, ये आपका एक ट्रेड था, अगर हम और देखें हेड एंड शोल्डर, चलिए एक और ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये कंटिन्यूसली हो रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, ये हम इस लाइन को भी यहाँ से हटा देते हैं। चलिए एक और लेते हैं, यहाँ से अगर मुझे देखे तो मुझे यहाँ पर एक और ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। पहले तो आपको अपनी आईज को ट्रेन करना होगा, मैं यहाँ पर 1 आवर का ले रहा हूँ, 4 आवर में लें, 15 में लें, कहीं पर भी आप इसको अप्लाई करें, ऐसा कुछ नहीं, हेड एंड शोल्डर सभी में आपको मिलेंगे, आप हायर टाइम फ्रेम से नीचे लोअर टाइम फ्रेम पर कहीं पर भी आप इसको अप्लाई, ये काफी फेमस पैटर्न है, काफी पुराना पैटर्न है, और थ्योरेटिकली भी आप इसको समझें कि क्या होता है, क्यों प्राइस ऐसे जा रहा है। प्राइस यहाँ, अगर मैं आपको थ्योरेटिकली बताना चाहूँ, प्राइस यहाँ से यहाँ ऊपर गया, ये आपका हाई था, दूसरा यहाँ से ऊपर गया, पूरा नीचे तक लेके आया, मतलब उस प्राइस को, मतलब कि पूरी तरीके से रिजेक्शन है, जहां से बायर ने स्टार्ट किया सेलर वहीं पर आ गया, और दोबारा जब उसको दोबारा वापस नहीं ले जा रहा है, तो मतलब कि अब उसकी वीकनेस खत्म हो रही है, तो अब यहाँ पर सेलर डोमिनेट करेंगे, प्राइस नीचे जाएगा। अगर
आप इसकी बैक थोड़ी समझना चाहें कि प्राइस इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। बाकी इसको हेड एंड शोल्डर या नाम कुछ और भी देना देना चाहें, जस्ट प्रॉपरली इस तरीके से बनता है। जैसे मैंने बोला, एलिट वेब से काफी इसका बैकग्राउंड है, जब अगर आने वाले वेबिनार में इसके बारे में बात करेंगे तो वहां पर इसको और क्लियर तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एक और, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको लेना चाहूँ, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ये आपका यहाँ तक, फिर यहाँ से ऊपर गया, और ये तो ये आपके हेड एंड शोल्डर यहाँ पर जो पैटर्न है वो बन रहा है। ये आपका हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये आपका हो गया हेड, ये राइट। जब तक राइट शोल्डर का प्राइस हेड से नीचे नीचे है, हमारे लिए वैलिड सेटअप है। अगर ये इसको ऊपर ले जाता है फिर हमारे लिए सेटअप इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वालिटी वाइज देखते हैं कि इसमें क्वालिटी वाइज हमें क्या सेटअप मिलता है, क्या हमें इसको लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, पहली चीज वीकनेस, क्या राइट शोल्डर में वीकनेस है या नहीं। तो यहाँ से प्राइस जो ऊपर गया आप देख सकते हैं, बहुत ही वीकनेस थी जो यहाँ से इसमें गया था, कुछ ज्यादा इसमें मूवमेंट नहीं मिली। पर जो राइट हैंड शोल्डर है वहां पर देखिए कितना सॉलिड वो ऊपर की तरफ गया, मतलब कि यहाँ पर बायर पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा। तो क्वालिटी वाइज मैं यहाँ पर इसको इग्नोर करना चाहूंगा भले ही ये प्रॉफिट में जाए। दूसरा, अगर मैं क्राइटेरिया इसको RSI से भी देखना चाहूँ, क्या RSI में वो ओवरबोट हो चुका है। अगर मैं लेना भी चाहूँ उसको तो यहाँ पर आप देखिए RSI में आप देखें तो ये ओवरबोट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप इसके बेस पे लेना चाहें तो यहाँ पर ये क्वालिफाई कर रहा है, ओके। पर यहाँ पर मैं देखूँ तो ये अनक्वालिफाई, ये क्वालिफाई नहीं कर रहा। अभी आपके ऊपर डिसाइड है क्या आप इसको लेना चाहते हैं, पर RSI के अकॉर्डिंग अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पर आप क्वालिफाई। सभी क्राइटेरिया एक जगह पर नहीं मिलेंगे, वीकनेस दोनों तरह की नहीं मिलेगी, RSI से भी हर जगह पे कंफर्म नहीं होगा। पर आपको देखना है, अगर आपको कुछ भी ना मिले तो मैं कहूंगा मत लीजिएगा ट्रेड को, पर अगर आपको एक या दो मिल रहे हैं चीजें तो फिर आप ले सकते हैं। दूसरा, ये राइट शोल्डर लेफ्ट से काफी ऊपर है, तो वहां पर वीकनेस वाले हिसाब से देखूं तो वहां पर तो ये पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर रहा है, पर RSI मेरे को कह रहा है कि मैं इसको ले सकता हूँ। तो आप ये आप देखिए अगर आप इसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। अगर मैं इसमें एंट्री लूंगा तो एंट्री मेरी होगी जहां नेक लाइन इसको ये ब्रेक करेगा, और स्टॉप लॉस अगर आप लगाएंगे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। हम इसको शॉर्ट की एंट्री देख रहे हैं, तो शॉर्ट ये है, और फिर मैं 1.5 का टारगेट अगर यहाँ पर देखूंगा तो मेरा नहीं बनेगा। तो मैं इस हिसाब से इसको ले इग्नोर करना चाहूंगा, वो मुझे नहीं पता था ये 1.5 जाएगा या नहीं जाएगा। पर अगर आप देखें मेरे वीकनेस के हिसाब से ये दोनों जगह पे यहाँ पर एक डिस्क्वालीफाई हो रहा था, जस्ट RSI के बेस पे अगर मैं इसमें एंट्री लेना चाह रहा था तो ले सकता था। तो ये अब आपके ऊपर है क्या इसको लेना था या नहीं लेना था, पर RSI आपको बोल रहा था ले सकते हैं, पर हमारी वीकनेस के हिसाब से बोल रहा था इसको हमें नहीं लेना चाहिए। तो वीकनेस मिलती है अगर RSI से भी उसको कंफर्म मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो मैं कहूंगा जब भी आपको कंफ्यूजन हो या ऐसा माइंड में आए कि वीकनेस नहीं है या RSI भी नहीं है, उसको अवॉइड कीजिए। या आपका एक ही पॉइंट बन रहा है जैसे RSI ओवरबोट या ओवरसोल्ड, वहां पर प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलेगा नहीं। अगर मैं इसमें देखूं भी ये कहाँ तक गया, अगर बाद में भी आपको कहीं ज्यादा दिखे तो हम देख सकते हैं क्या ये प्रॉफिट पे हिट हुआ या स्टॉप लॉस हिट हुआ कहीं पर। अगर ये चल ही रहा है, हमारा 1.5 वहां पर था, काफी नीचे है अभी भी यहाँ पर कहीं, तो क्या ये ट्रेड बंद हुआ अभी तक। ये अगर आपने एंट्री ली होती तो ट्रेड चल रहा है, तो अभी मैं नहीं कहूंगा कि ये ट्रेड क्लोज हो गया है या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है या आपका टारगेट, अभी कुछ नहीं है। तो अभी ये ट्रेड चल रहा है क्योंकि आप यहाँ पर अभी इसमें ना तो स्टॉप लॉस हिट करे हैं ना इसमें अभी आपका टारगेट प्रॉफिट हिट हुआ है। पर जैसे मैंने बोला क्वालिटी वाइज हम इसको थोड़ा इग्नोर करेंगे क्योंकि अच्छा हमें सेटअप नहीं मिला, या फिर आपको इतनी पेशेंस होनी चाहिए आपके पास कि आप इसको देख सकें। हम और सेटअप देखते हैं क्वालिटी वाइज, अगर हमें कुछ और मिलता है तो हम उसी हिसाब से फिर उसको देखेंगे। हम यहाँ पर चलिए और देखते हैं, अगर हमें कुछ और मिलता है इस पर हम देख सकें क्या ये सेटअप दिख रहा है। ओके चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ। अगर आप यहाँ पर इसको मार्क करें, लेफ्ट शोल्डर प्राइस नीचे तक गया, ये आपका यहाँ तक, और देखिए फिल होने शुरू हो जाते हैं। देखिए आप जिस तरीके से करें इस चार्ट की आपकी ट्रेडिंग व्यू पर देख सकते हैं,
और यहां तक प्राइस गया, और उसके बाद फिर आपकी नेकलाइन ये बन जाती, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए हेड एंड शोल्डर के हिसाब से हमारा हेड एंड शोल्डर पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है। ये हमारी नेक लाइन हो गई, अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं, यहां पर ब्रेक होगी तो एंट्री के लिए। अब हमें देखना है जो हमारी पहली चीज, क्या यहां पर वीकनेस है या नहीं है। पहले अगर वीकनेस में देखूं, प्राइस यहां पर सॉलिड गया, ओके रुका, फिर एकदम से ब्रेक के साथ, मतलब कि बहुत ज्यादा यहां पर पावर, ठीक है। अगर मैं दूसरे शोल्डर पे देखूं, पूरी तरीके से वीकनेस है, तो मेरे लिए जो पहली वीकनेस मिल रही है क्वालिफाई कर रहा है कि मैं इसमें एंट्री ले सकता हूँ। दूसरी वीकनेस मैंने क्या बोली, जो लेफ्ट हैंड शोल्डर है, राइट हैंड शोल्डर उससे नीचे रहे तो और भी अच्छी बात। आप देख सकते हैं कितना नीचे है बन, तो यहाँ पर सॉलिड अच्छे तरीके से आपकी वीकनेस है। अगर मैं आरएसए में देखूं तो आरएसए का ओवरबोट ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, पर वीकनेस की वजह से मुझे यहाँ पर एंट्री मिल रही है, तो मैं यहाँ पर इसमें प्राइस की एंट्री देख सकता हूँ। अगर मैं स्टॉप लॉस भी लगाऊंगा यहाँ पर, तो एग्रेसिव ट्रेडर आप यहाँ पर हैं तो इसमें ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं, स्टॉप लॉस इससे ऊपर लगाइए जो आपका राइट हैंड शोल्डर है, और 1.5 का टारगेट आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर रिटेस्ट के लिए आप वेट करेंगे तो यहाँ पर रिटेस्ट के लिए आपको एंट्री मिलेगी। सबको क्लियर है ये वाला एग्जाम्पल वीकनेस के हिसाब से? आप 15 मिनट में भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पर 1 आवर सभी ट्रेड करते हैं तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 4 आवर में देखें, 4 आवर में यहाँ पर इसी चार्ट में कंटिन्यू करता हूँ, जो भी आपको मिलता जाएगा हम देखते जाएंगे। अगर यहाँ पर आप इसी को कहें कि क्या मेरा ये भी हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था, चलिए इसको देख लेते हैं। हम हेड एंड शोल्डर के जो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इससे, मैं इसको रेड कर लेता हूँ, इसको भी रेड कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या ये भी एक और हेड एंड शोल्डर विद इन हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो इसको भी देख सकते हैं। यहाँ से प्राइस देखिए, हम अगर इसको मार्क करना चाहें, प्राइस यहाँ से पहला ये, दूसरा ये, फिर आपका हेड ये बना, ठीक है, और ये आपका नेक लाइन। तो हेड एंड शोल्डर के अंदर एक और हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, ये तो आपका पहले से चल ही रहा था, अब यहाँ पर आप वेट कर रहे थे और आप इसको दोबारा से एक और हेड एंड शोल्डर से कंफर्म कर रहे हैं, तो देखिए ये और आपका क्वालिटी वाइज बेटर सेटअप हो जाता है। क्यों, यहाँ पर आप देखेंगे हेड एंड शोल्डर ठीक है, आपका हेड ऊपर है, अगर मैं वीकनेस में देखूं तो यहाँ पर वीकनेस के हिसाब से तो मेरा राइट हैंड शोल्डर पावरफुल है, तो मेरा यहाँ पर इसके हिसाब से सेटअप नहीं बनता है, तो यहाँ पर वीकनेस मुझे नहीं मिल रही है। और अगर मैं आरएसआई में भी देखूं तो मुझे कोई यहाँ पर डाइवर्जेंस भी नहीं है और आपकी ओवरबॉट भी नहीं है, तो ओनली अगर मैं इसके बेस पर ट्रेडिंग लेना चाहूंगा तो नहीं लूंगा। अगर मैं यहाँ पर इसको जस्ट माइंड से इसी को देख रहा हूँ तो मैं ट्रेडिंग नहीं लूंगा, मैं इस ट्रेड में सेटअप में एंट्री नहीं लूंगा। पर जैसे मेरा पहले से चला हुआ आ रहा था तो उसके बेस पे मैं यहाँ पर एंट्री बनती हूँ, क्योंकि क्वालिटी वाइज ये वाला सेटअप बेटर था, ये वाला सेटअप बेटर नहीं, तो इसको फिर मैं इग्नोर करूंगा। तो ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है कि कौन सा क्वालिटी वाइज अच्छा है उसको मैं ले सकता हूँ, जो नहीं है उसको हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर विद इन हेड एंड शोल्डर एक और हेड एंड शोल्डर बना, पर क्वालिटी वाइज उसमें ना तो वीकनेस थी, ना आरएसआई में कुछ था, और आप देखें लेफ्ट हैंड शोल्डर से राइट हैंड शोल्डर कितना ऊपर गया, हालांकि प्रॉफिट में गया है पर क्वालिटी वाइज हमें इसको इग्नोर करना है। पर हमारा ये वाला अच्छा बन रहा था, यहाँ पर हमें वीकनेस भी थी, सारा कुछ था, सारे हमारे पॉइंट मिल रहे थे, तो हम इसको एंट्री लेंगे। हम इसको और देखते हैं अगर हमें और कोई सेटअप मिलता है, ताकि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अगर हमें अच्छा है, एक या दो जो भी मिले। अगर देख सकते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसको और देख सकते हैं, ओके देखिए कहीं से भी प्राइस यहां से यहां तक ऊपर गया, यहां तक नीचे आया, ये आपका ये था और ये आपका हेड एंड शोल्डर इस तरीके से है, मतलब कि आप इसको कहना चाहें तो ये बन रहा है लेफ्ट हैंड शोल्डर, लेफ्ट हेड एंड शोल्डर। पावर वीकनेस ना तो इसमें दिख रही है, अगर मैं इसको देखना चाहूं, जो बायर है वो सॉलिड यहां पर गए हैं, सॉलिड ही ऊपर यहां पर गए हैं,
पर दूसरा अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, जो हमारी नेक लाइन थी वो ये होगी। मैं इसको दोबारा, क्योंकि ये सेटिंग में आपको क्लियर नहीं दिखेगा, मैं जब इसको ऊपर दिखा रहा हूँ, मैंने सेटिंग थोड़ी चेंज कर ली थी। नेक लाइन ये हो गई, हम इसमें एंट्री के लिए देखेंगे। पर यहाँ पर RSI आपको क्लियर सिग्नल दे रहा है। क्या सिग्नल दे रहा है? यहाँ तक प्राइस ऊपर गया, हेड में ही आपको डाइवर्जेंस मिलनी शुरू हो गई है। यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, पर यहाँ से प्राइस देखें नीचे आ रहा है, और तीसरी बार एक और वो उससे नीचे आ गया, जबकि शोल्डर ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है। मैं कहूंगा राइट वाला तो उससे भी ऊपर है। और इसको कंपेयर कीजिए, इस वाले को और इस वाले शोल्डर को कंपेयर कीजिए, तो RSI आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है, आप इसको बाई कर सकते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं। पर वीकनेस के हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है। तो इस हिसाब से अगर क्वालिटी वाइज मैं देखूं, तो RSI के बेस पर अगर मैं ट्रेड करना हो, तो मैं इसमें देख सकता हूँ। मैं कहूंगा डेमो पे जाके जो भी आप ट्रेड करें, देखिए RSI के बेस पे कुछ लेके देखिए, अगर वीकनेस भी मिले तो बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन। जब आपको RSI भी बोल रहा है और वीकनेस भी बोल रही है, वहां पर बेस्ट है। पर या तो वीकनेस मिले या RSI मिले, या आपके ऊपर आप लेना चाहें मिले, पर दोनों हिसाब से क्वालिटी वाइज आपको सेटअप मिल रहा है, तो RSI के हिसाब से भी अगर आप यहाँ पर लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्लियर डाइवर्जेंस हैड में भी और आपके शोल्डर में भी। तो अगर मैं इसमें यहाँ पर एंट्री लेना चाहूंगा, नेक लाइन पर स्टॉप लॉस उससे ऊपर लगाऊंगा, और 1.5 का अगर टारगेट भी देखूंगा, वो नीचे तक, कहाँ तक? यहाँ तक ही आपका ट्रेड काफी लंबा चलेगा, आप यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये सेटअप आपका इस तरीके से बन सकता है, आप इस तरीके से इसको एंट्री कर सकते हैं। अगर हम और सेटअप मिलते हैं या फिर इग्नोर करना चाहें, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। हम इसको और देख सकते हैं, अगर ये हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बन रहा है, या फिर इसको इग्नोर कर सकते हैं। नहीं, ये हेड एंड शोल्डर नहीं है, मैं जस्ट एक दो एग्जांपल और देख रहा हूँ। अगर हमें कुछ मिलता है तो, अगर आप यहाँ पर देखें वर्स तरीके से हम इसको देखना चाहें, ये आपका लेफ्ट शोल्डर, प्राइस ऊपर तक गया, और मेरे ख्याल से ये क्वालिफाई नहीं करेगा, देखते हैं। यहाँ से प्राइस गया, यहाँ पर आया, और आपकी नेक लाइन कहाँ पर बन रही है? इसको ये इसी जगह पे बन रही है, ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है हमारे लिए। दोबारा से देखते हैं, मैं कहूंगा यहाँ पर आप इसको देखना चाहेंगे इस तरीके से, तो जो नेक लाइन होगी आपकी वो यहाँ पर इस तरीके से बनेगी, ये वाली। तो जो प्राइस ब्रेकआउट करेगा वो हम यहाँ पर इसमें, तो ये ट्रेंडी बोलिस का जो पैटर्न है उस तरीके से इसको देख रहे हैं। तो दो चीजें हमें यहाँ पर देखनी है, जब हम बाई के लिए देखेंगे या सेल के लिए देखें। तो यहाँ पर हम बाई के लिए देख रहे हैं, तो अगर यहाँ पर आप देखें, मैं जैसे इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, जो हमारे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है हम उसको देखें। तो पहली चीज, जो यहाँ से प्राइस ऊपर गया था और यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, तो यहाँ पर अब हम बाई के लिए देखें, सॉरी मैं उल्टा बताने गया, ये हमारा बेरिस का है, तो हमें क्या देखना है? जो प्राइस नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा शोल्डर ये वाला है। तो ये जो प्राइस नीचे आया है और ये जो प्राइस नीचे आया है, यहाँ पर हमें वीकनेस नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे सॉलिड इसी तरीके से गया, और जब पुल की यहाँ पर, तो और वीकनेस तरीके से गया। दूसरी चीज, ये तो हो गई एक वीकनेस। दूसरी वीकनेस, जो लेफ्ट हैंड शोल्डर है, क्या राइट उससे नीचे गया है या ऊपर ही रहा है? तो अगर मैं यहाँ पर इसको मार्क करूँ, यहाँ तक ये उससे ऊपर ऊपर रह गया, तो यहाँ पर ये सेकेंड वीकनेस हमारी क्वालिफाई कर रही है, कि जो राइट शोल्डर है ये उल्टा वाला हेड एंड शोल्डर है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको, तो आपको क्लियर है। जैसा मैं एक बार से बता देता हूँ, ये हेड एंड शोल्डर आपका इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना। ये आपका लेफ्ट शोल्डर है, ये आपका हेड है, और ये आपका राइट हैंड शोल्डर है, जहाँ पर आपकी नेक लाइन को इसने ब्रेक किया है। तो ये इससे ऊपर है, तो क्लियरली वीकनेस है जो हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो वीकनेस के हिसाब से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। क्या ओवरबोट है? नहीं, ओवरबोट नहीं है, पर वीकनेस के हिसाब से हमें क्वालिफाई कर रहा है। अगर मैं एंट्री लूंगा, तो मैं एंट्री यहाँ पर लगाऊंगा, स्टॉप लॉस उससे नीचे लगाऊंगा, और उसके बाद आप इसमें टारगेट प्रॉफिट देख सकते हैं। हाँ, इन्वर्टेड, जो आप कहना चाहें इसको इन्वर्टेड बोल सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने रखी। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें एंट्री यहाँ पर लेता हूँ, स्टॉप लॉस नीचे लगाता हूँ, और 1.5 का इसमें टारगेट देखता हूँ, तो आपको यहाँ पर ये
डेफिनेटली एंट्री दे देगा, या तो जैसे ही आप ब्रेक करें या दोबारा से फिर रिटेस्ट पर आपको एंट्री यहाँ पर दे रहा है। तो हर बार जरूर नहीं कि वो आपको रिटेस्ट करके दोबारा से एंट्री देगा, कई बार वो बिना रिटेस्ट के आपको एंट्री दे जाएगा। तो सभी को क्लियर है जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ? आई होप हेड एंड शोल्डर के बारे में ये चीजें क्लियर होंगी आपको। ओके राकेश जी, हनुमान। ओके बिल्कुल ठीक है, क्लियर। तो टिकमिल ब्रोकर के साथ जैसे मैंने बोला, ये हमारा लास्ट वेबिनार है, तो जो हम कर रहे थे, तो अगली वेबिनार की सीरीज जो शेड्यूल होगा वो आपको टिकमिल के हिसाब ईमेल में आ जाएगा। आप वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं, या वेबसाइट पर ही जाएं, वेबिनार में सेक्शन में जाएंगे, वहां पर मेरा नाम देखेंगे तो वहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं टिकमिल की वेबसाइट पर ही, तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जो नेक्स्ट मंथ का हमारा शेड्यूल होगा। तो आई होप सभी को यहाँ पर क्लियर होगा जो मैं यहाँ पर बताना चाहता था। हमारी चार वेबिनार की सीरीज है, आपने कुछ चीजें यहाँ पर सीखी होंगी। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो यूट्यूब पर मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉरेक्स सैलरी के नाम से, और अगर आप वीडियो यहाँ पर यूट्यूब पर ही देखेंगे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी मैं जवाब जरूर देता हूँ। आपके कोई क्वेश्चन आते हैं, डाउट्स आते हैं, forexsalary.india@gmail.com मुझे वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर है, मैं वहां पर भी जवाब करता हूँ, आप मुझसे चैट कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर जो इन्फॉर्मेशन के लिए वहां पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आपके कोई क्वेश्चन हो तो मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा, आप पूछ सकते हैं। हाँ जी धर्मजीत जी सर, थर्ड पार्ट मिस हो गया, वो मिल सकता है। थर्ड पार्ट जो इस संडे को है वो आपका, मैंने प्रीमियर डाला हुआ है संडे के लिए, आप देख सकते हैं, आप उसका सेट रिमाइंडर डाल दीजिए ताकि संडे को आप वो जब रिलीज होगा आपके पास आ जाए। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, नोटिफिकेशन बेल ऑन किया हुआ है, तो आपके पास आ जाना चाहिए। मनोरंजन सर, वेबिनार यूट्यूब में जाए? बिल्कुल जाएगा, आप वहां पर नेक्स्ट संडे को उसको देख सकते हैं, दो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तीसरा ये भी, तीसरा भी और ये चौथा भी, ये सभी वहां पर वीक बाय वीक हर संडे को मैं इनको रिलीज करता हूँ। सभी को फायदा मिला जो हमने, अगर आप, जो मुझे नहीं पता सभी चारों में थे या नहीं, चारों वेबिनार जो हमने करे हैं अभी तक, कुछ नॉलेज मिली है, कुछ स्ट्रेटेजी सीखी हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ उससे फायदा मिला है, कुछ नई चीजें सीखने को मिली हैं आपको। जितेंद्र जी थैंक यू, और राकेश भरोसे जी स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के ऊपर लगाइएगा जो भी होगा आपका राइट शोल्डर। अशोक पंचायत जी, यस बहुत बिल्कुल, थैंक यू। आशुतोष जी वेरी नॉलेजेबल, थैंक यू आशुतोष जी। तो सर 2% से स्टॉप लॉस बड़ा हो तो ट्रेड लेना है क्या? अगर 2% से स्टॉप ज्यादा हो रहा है तो अपनी क्वांटिटी लॉट्स को कम कर लीजिए, ठीक है? तो लॉट की क्वांटिटी को कम कर दीजिए, 2 या 3% इतना रखिए अपना स्टॉप लॉस, अगर वो उससे ज्यादा जा रहा है तो अपनी लॉट की क्वांटिटी को कम कर दीजिए। ओके और कोई क्वेश्चन? सुपर सर जी, थैंक यू दशर जी, थैंक यू आपके प्यार के लिए, और आई होप आप कुछ सीख रहे हैं। मेरी यही एक मुहिम है कि कुछ एजुकेट कर सकूं, या तो यहाँ पर वेबिनार के थ्रू, या फिर यूट्यूब के थ्रू, या कोई जो मुझसे पर्सनल सीखना चाहते हैं वो मेरे कोर्स में आ सकते हैं, वहां पर सीख सकते हैं। तो ज्यादा मैं उसको प्रमोट नहीं करता हूँ, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं कंटेंट यहाँ पर भी अच्छा डाला हुआ है और वहां पर भी अच्छा है, उससे भी अच्छा खासा अगर उसको अप्लाई करेंगे आपको नॉलेज डेफिनेटली मिलेगी। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू अरजीत जी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर सेशन कब करेंगे? देखिए दो सेशन, एक सेशन तो कर चुका हूँ जो आपके साथ यूट्यूब पर देख सकते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के, एक और आने वाला है वो भी आप देख सकते हैं, और फ्यूचर में भी होंगे। तो जैसे मैंने बोला टिकमिल के साथ हमारे कंटिन्यूसली वेबिनार चलेंगे आने वाले महीने में, वो आप देख सकते हैं, तो वहां पर डेफिनेटली हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे, और काफी टॉपिक हैं जो अभी हम कवर करते जाएंगे, ठीक है? साइकोलॉजी पर भी होगा, टेक्निकल पे भी होगा, फंडामेंटल पे भी होगा, और काफी चीजें हैं। सर जो आप लास्ट सेटअप बताए हैं वो बाई के कैसे होगा ये समझ, क्योंकि वो इन्वर्टेड आपका हेड एंड शोल्डर था, तो इन्वर्टेड में आप बाई के लिए देखेंगे, वो राइट वाला शोल्डर नहीं, ठीक है? तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में आप बाई के लिए, वो बुलिश आपका हेड एंड शोल्डर, इसलिए मैं कह रहा था मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ओके जी जी सर, जब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो तो आपकी साइकोलॉजी का चार्ट में पैटर्न ढूंढने की होती है? देखिए जी जी क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, पहले आपकी स्ट्रेटेजी डिफाइन क्लियर होनी चाहिए कि उसके हिसाब से मैं अपने सेटअप देखूंगा। तो आप अगर बिगिनर हैं एक या दो सेटअप देखिए, जब आप जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, 4 या 5 जो बेस्ट आपको लगे आप उनको सेलेक्ट कीजिए, और उनको फिर आप देखेंगे कि ये मेरा प्लान है, ये मेरा सेटअप है, उस चार्ट में मैं देखता हूँ, ठीक है?
मिलते हैं ठीक है, नहीं मिलते हैं मैं ठीक है, दूसरे दिन जाइए, मार्केट 24 आवर खुली है, 5 डेज ट्रेडिंग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जबरदस्ती ट्रेडिंग नहीं करनी। ओके इकबाल जी, सर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने चार्ट में देखा कि 15 मिनट, 30 मिनट, 4 आवर, लेकिन 4 आवर में अप ट्रेंड की, बाकी सब में डाउन ट्रेंड है, तो किस में एंट्री करें? एक ही टाइम फ्रेम को रखिए अगर आपको बिगनिंग में प्रॉब्लम रह रही है। मैंने अभी पॉडकास्ट में रिलीज किया था कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें, अगर आपने सुना होगा इकबाल जी टाइम फ्रेम के बारे में, तो मैंने बताया एक टाइम फ्रेम पे फोकस रखिए, क्योंकि नहीं तो 4 आवर कुछ और बोलेगा, डेली कुछ और बोलेगा, 30 मिनट कुछ और बोलेगा, प्रॉब्लम आती रहेगी और आपको फेक एंट्री मिलेगी, उससे फिर आपको फायदा मिलेगा। तो उस पॉडकास्ट को अगर आपने नहीं सुना है कि जो 10 स्टेप बेटर ट्रेडर की सीरीज बनाई है, यूट्यूब पर डाले हुए हैं, सुन के देखिए, आपको डेफिनेटली कुछ फायदा मिलेगा उससे। ओके 5-10 मिनट हो रहे हैं, 5 मिनट हो रहे हैं, और देख लेते हैं और क्या आपके क्वेश्चंस हैं। अजीत शर्मा जी, थैंक यू अजीत जी। जी, सर आप कौन से फॉरेक्स सेशन में ट्रेड करते हो? लंदन और यूएस सेशन बेटर है, वहां पर ही आपको वॉल्यूम वॉलिटिलिटी मिलेगी, वही चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं फिर तो आप एशियन सेशन को भी ट्रीट कर सकते हैं। आशुतोष जी, सर हम आपकी तरह अपनी आई को कैसे ट्रेन करें, यह हैबिट हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट या वुमेन्स परफेक्ट जो भी, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी एक चीज में मास्टर होते जाएंगे, फिर तो आपको पहले अपनी आईज को ही ट्रेन करना है, फिर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो चार्ट आपसे खुद बोलेगा कि हाँ मुझे अपने आप दिख रहा है, ठीक है ना? नहीं तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है फिर आपको देखना पड़ेगा, पर जब आपने प्रैक्टिस ही इतनी कर ली है तो फिर आपको चार्ट अपने आप खुद बताता है कि ये सेटअप मिल रहा है, फिर आपको, क्योंकि आपने इतना बार उसको प्रैक्टिस किया होगा। सर मोबाइल में ट्रेड लेना सही है कि नहीं? मनोर अंजा जी, एक वीडियो बनाया था मैंने, डिलीट योर ट्रेडिंग ऐप, मुझे नहीं लगता, पता नहीं आपने देखा है या नहीं देखा, या बाकी ने किसी ने देखा हुआ है। मोबाइल में ट्रेडिंग करने की प्रॉब्लम भी है, बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेज भी है। मतलब कि अगर आपके पास अपने आप पर कंट्रोल है, माइंडसेट कंट्रोल है, साइकोलॉजी ठीक है, तो मोबाइल में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल में कर सकते हैं, पर वहां पर आपको अपने ऊपर लिमिट लगानी होगी कि मुझे इस टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करना है, इतने टाइम के लिए ही चार्ट को देखना है, नहीं तो 24 आवर मोबाइल में लगे रहेंगे, रात रात को नींद नहीं आएगी, पागल हो जाएगा अगर आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहे। तो मोबाइल ही अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है फिर तो मैं कहूंगा कर सकते हैं, पर 1 या 2 घंटा डिफाइन कीजिए, मुझे इस टाइम पर ही ट्रेड करना है, उसके बाद मुझे ऐप में नहीं देखना है। तो वो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा हुआ है, मैं सजेस्ट करूंगा, बिगिनर मिस्टेक की सीरीज है जो वीडियो पर डाली हुई है, वहां पर एक वीडियो है डिलीट योर ट्रेडिंग ऐप, वहां पर क्लियरली बताया हुआ है कि क्या आपको मोबाइल में ट्रेड करना चाहिए। आई होप आपका आंसर दे पाया हूँ मैं। ओके सर थैंक यू। ओके इकबाल जी, मैक्सिमम कितने पेयर में ट्रेड एंड कौन से? देखिए जितेंद्र जी, बिगिनिंग में मेजर लीजिए, मेजर जो पेयर्स होते हैं जिसमें यूएसडी आपका कॉमन होता है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी स्विस फ्रैंक, यूएसडी कैड, यूएसडी जेपीवाई, एयूडी यूएसडी, एनजीडी यूएसडी, और ये आपके 7 पेयर्स होते हैं। आई होप मैं 7 के नाम ले पाया हूँ सिक्वेंस में, मैं भी सरप्राइज हूँ कि मैं एक बार में ही बोल गया। तो 7 ये पेयर्स हैं, इनमें ट्रेड कीजिए, स्प्रेड भी कम मिलेगा और सेटअप भी अच्छे मिलेंगे, जो क्वालिटी वाइज, तो जो स्ट्रक्चर होता है उसको प्राइस अच्छे से फॉलो करता है इसमें, उसके बाद आप ऐड करना चाहें करें जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। ओके थैंक यू। राकेश जी, सर आपकी स्टार्टिंग के दिनों में कितना घंटा ट्रेडिंग के लिए देते थे? स्टार्टिंग में तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता भाई, मैं जॉब करता था, तो जैसे मैंने बोला स्विंग ट्रेडिंग से मैं स्टार्ट कर, मॉर्निंग में देखा कोई सेटअप मिला, उसके हिसाब से ट्रेड ले लिया, अगर दिन में टाइम मिला तो कहीं डेस्क पे नहीं कर सकते थे, या तो टॉयलेट में या कहीं भी, जब भी बाहर गए तब जाके उसमें देखना शुरू किया, नहीं तो टाइम नहीं मिलता, तो स्विंग ट्रेडिंग से मैंने स्टार्ट किया था। ओके जितेंद्र जी थैंक यू। सर क्यों प्राइस एक्शन एंड प्राइस बिहेवियर्स? सर क्या प्राइस एक्शन एंड प्राइस बिहेवियर्स? इकबाल जी मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन। राधे कृष्ण, मिनिमम कितने अकाउंट से अकाउंट ओपन होगा? देखिए अगर आप टिकमिल की बात कर रहे हैं, $100 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इनके क्लासिक अकाउंट है या प्रो ले सकते हैं, कमीशन भी आपका काफी इनका टाइट होगा, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों अकाउंट में से कोई भी $100 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी इनकम कितनी होगी मोटिवेशन की? देखिए उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो भले ही कितनी हो या जितनी लो हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने बोला मैं शौक ज्यादा करता नहीं हूँ इसमें, मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ, एजुकेशन पे बिलीव करता हूँ, जितना एजुकेशन दे सकूँ, जो मुझे नहीं मिली, मेरा लर्निंग कर्व लंबी हो, अगर वो छोटी हो सके आपको और उसमें आपको बेनिफिट मिल सके, मेरे लिए इससे बड़ी और कोई चीज नहीं। तो यही एक चीज है जो स्टार्ट किया, जिसी वजह से मैं स्टार्ट किया।
तो सर आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि मोबाइल ट्रेडिंग हैबिट के बारे में, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, रात में भी सपना आता रहता है कि मैं ट्रेड में हूँ और लॉस हो रहा है। बिल्कुल, तो वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको देखिएगा तो आपको और चीजें क्लियर होंगी जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इन सब चीजों से मैं गुजर चुका हूँ इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये कुछ कुछ नई चीजें हैं। प्राइस एक्शन एंड प्राइस बिहेवियर सेम है, आप नाम देना चाहें कह सकते हैं सेम है। बिल्कुल, प्राइस बिहेवियर सेंटिमेंट भी होता है कि मार्केट में क्या सेंटिमेंट चले हुए हैं उसके हिसाब से। सर हेड एंड शोल्डर पैटर्न लाइव मार्केट में मिलते हैं, फॉर एग्जांपल जीवीज लाइव मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम। बिल्कुल मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं भाई। देखिए अभी अगर हमने जो भी पैटर्न देखा था, लास्ट वाला भी कंटिन्यूसली चला हुआ है, जो अभी क्लोज नहीं हुआ ना, तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था। जो दूसरा हमने हेड एंड शोल्डर देखा था, अगर आपने नहीं देखा है दोबारा से देखिएगा ये वीडियो, जब यूट्यूब पर जाएगा कि या वो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपका टारगेट हिट होगा। ओके, 1-2 मिनट और है, और कोई क्वेश्चन होता है तो हम ले सकते हैं। तो जस्ट अगर आप इसको बाद में भी देखें तो प्लीज कमेंट दीजिएगा, अगर आपको कोई चीजें क्लियर नहीं है यूट्यूब पर भी आप मुझे कमेंट दे सकते हैं, वहां पर मैं रिप्लाई करूंगा। अगर लाइक कर सकते हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, जो भी आप कर सकें या शेयर करें किसी के साथ, उससे मुझे भी हेल्प मिलेगी, तो जितने लोगों तक स्प्रेड होगा कुछ क्वालिटी वाइज एजुकेशन सभी को मिल सके जो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। ट्रेडिंग कोर्स की फीस आप मुझे ईमेल में कॉन्टेक्ट कीजिए, मनोरंजा जी, अगर कोई बैच में जगह होगी, क्योंकि मेरे बैच पहले ही फुल हो जाते हैं, तो मैं लिमिटेड स्टूडेंट रखता हूँ ताकि सभी को फोकस रख सकूँ 1-to-1। ऐसा नहीं कि मैं एक ही बैच में 100, 200 या 50 स्टूडेंट ले लूँ, तो लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं, बैच जल्दी फुल हो जाता है। आप मुझे ईमेल में कॉन्टेक्ट कीजिए अगर कोई सीट होती है जिस बैच में, मैं आपको डिटेल भी भेज दूँगा कि कोर्स में क्या है और किस तरीके से वो होता है। स्प्रेड को आप कैसे डील करते हैं, न्यूज के दौरान में ट्रेड कीजिए राकेश जी। ओके, और मैं ज्यादा जल्दी नहीं पढ़ पा रहा हूँ सर, आपसे मिलना हो तो कभी कैसे मिल पाएंगे। देखिए जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो जरूर मैं ऑर्गेनाइज करेंगे, हम कहीं दिल्ली या मुंबई में जहाँ पर भी हो, ताकि सभी आ सके, कुछ ऐसा सेशन हो सके। सर क्या कैंडल स्टिक का और वीडियो होगा, हाँ इन फ्यूचर जरूर होंगे सर, मैंने कल पर। ओके, आपका यूट्यूब चैनल अगर आप यहाँ पर देखें, नाम देख सकते हैं, फॉरेक्स सैलरी के नाम से है चैनल, यूट्यूब पर है, फॉरेक्स सैलरी के नाम से सर्च कीजिएगा तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। सर आपके यूट्यूब चैनल के एजुकेशन के लिए बहुत हेल्प हो रही है, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करता हूँ। ओके, थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू आपके कमेंट्स के लिए। ओके गाइस, धन्यवाद, हमारा टाइम भी अब ऑलमोस्ट अप हो चुका है, तो जिन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइन किया होपफुली आपके आंसर दे पाया होगा, अगर इस आप बाद में भी देख रहे हैं यूट्यूब पर भी तो वहां पर आप अपने कमेंट्स दे दीजिएगा, जो कुछ चीजें क्लियर नहीं है समझ में नहीं है मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और हो सके तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो धन्यवाद गाइस जिन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइन किया इन 4 वेबिनार की सीरीज में, हम आने वाले दिनों में भी करेंगे और उसकी नोटिफिकेशन आपको दे दी जाएगी। थैंक यू गाइज एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू एंड गुड नाइट। चलिए मैं क्लोज करता हूँ। ओके बाय।